Good morning, friend. Here we will discuss about the regulation of gene expression in prokaryote. Gene kis prakar se gene ko regulate kiya jata hai? Gene regulation ke sambandh mein jo hai sabse best model jo diya gaya tha wo operon model tha. Aur ye operon model jo hai, friend, wo दो प्रकार के होते हैं जनरली, टू टाइप्स हैं. तो उसमें फर्स्ट वन इज है एक इंड्यूसिबल सिस्टम है और दूसरा रिप्लेसिबल सिस्टम है. इंड्यूसिबल सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल जो है वो है लाइकोपेरॉन, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है. और रिप्लेसिबल ओपेरॉन है वो है आपका ट्राइपोपेरॉन यानी ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन. लैक का मतलब होता है लैक्टोज, ट्राइप का मतलब होता है टीआरपी का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन. ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं जीन किस प्रकार से किसी भी सेल्स की एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करता है, उसका स्टडी हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में करते हैं. सबसे पहले ये भी बात हम करना चाहेंगे कि जीन जो होता है किस कंडीशन में ऑन होगा, किस कंडीशन में ऑफ होगा, यानी जीन कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है. जैसा कि आप क्लास 11th में आप पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आप भोजन जो भी जिस प्रकार का भोजन करते हैं, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ही केवल एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं, न कि प्रोटीन रिगार्डिंग एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक स्पेसिफिक जीन्स जो होता है एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के प्रेजेंट में ही जो होता है एक्टिव होता है. उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखेंगे. ठीक है, तो जीन्स कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा और किस तरीके से उसका वो एंजाइम का सिक्रीशन करेगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जीन के ऑन होने पर कोशिका सभी कार्यों को क्या करता है, सुचारू रूप से चला सकता है, सेल के एक्टिविटी आसानी से चल सकती है. जबकि ऑफ होने पर सेल्स की सारी मैकेनिकल एक्टिविटी जो होंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाती हैं. ठीक है, इसी तरीके से किसी भी जीन का ऑन और ऑफ होना जो होता है, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन में किस प्रकार के सब्सटेंसेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो है. तो एक जो होता है इंड्यूसिबल सिस्टम जो होता है, एक तरीके से कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है यानी डिग्रेडेटिव प्रोसेस होता है इंडिजिबल, जिसका एग्जांपल है लैकोपेरॉन यानी लैक्टोजोपेरॉन. इसमें किसी भी जो होता है स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के प्रेजेंट में ही जो होता है जीन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं एंजाइम्स को सिंथेसाइज करेगा. ठीक है, और सिंथेसाइज करने के बाद उसको डिग्रेडेट करते हैं. और बेस्ट एग्जांपल है इंडिजिबल सिस्टम का, इस तरीके से आप मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आप देख सकते हैं रिस्पायरेशन होता है. ठीक है, दूसरा होता है एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कि रिफ्रेशेबल सिस्टम का एग्जांपल होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें कि रिक्वायरमेंट्स होती है यानी किसी स्पेसिफिक जो होते हैं सबस्टेंस होते हैं उसकी एब्सेंसी में जो होते हैं जीन्स जो होते हैं कोशिकाओं में नहीं पाए जाने के वाले पदार्थों के का जो होता है वो संश्लेषण करते हैं. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल फोटोसिंथेसिस होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ओपेरॉन मॉडल है क्या, ओपेरॉन होता क्या, ओपेरॉन का डिस्कवरी किसने किया था. ओपेरॉन की जो डिस्कवरी की थी एफ जैकब एंड जे मोनाट ने किया था 1961 में और उनको नोबेल प्राइज़ 1965 में रिसीव किया गया इंड्यूसिबल और रिफ्रेशेबल सिस्टम के बारे में कि जीन किस तरीके से इंड्यूस होता है, किस तरीके से रिप्रेस होता है. फिर उसके बाद हम देख लेते हैं ओपेरॉन मॉडल्स होता क्या है, क्या डिफिनीशन है. तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि ओपेरॉन सिस्टम में जैसा कि ये सब जो आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये सभी के सभी जो होते हैं एक बैक्टीरिया के ये सारे अंदर होता है. जैसे प्रोकैरियोट का बैक्टीरियम, दैट्स आर द फ्लैजेला, बैक्टीरियल जीनोम
बैक्टीरियल जीनोम में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये है प्रमोटर फॉर रेगुलेटर जीन्स, और यहाँ पर दिया गया रेगुलेटर जीन्स, नेबरिंग जीन्स है, उसके कुछ थोड़ी ही दूरी पर देखते हैं प्रमोटर फॉर ऑपेरॉन ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन फर्स्ट, स्ट्रक्चरल जीन सेकंड, स्ट्रक्चरल जीन थर्ड, ठीक है फ्रेंड। तो जो स्ट्रक्चरल जीन्स ऑपरेटर और प्रमोटर्स होते हैं, इन्हीं को ओपेरॉन कहा जाता है, ठीक है, इन्हीं को ओपेरॉन कहा जाता है, ठीक है। तो ओपेरॉन का डिफिनीशन भी आप देख सकते हैं, द कंप्लीट कॉन्टेजियस यूनिट इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चरल जीन्स द ऑपरेटर एंड प्रमोटर इज कॉल्ड ओपेरॉन। इसी को हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं। आई थिंक आपको ये ओपेरॉन समझ में आया होगा, क्या ओपेरॉन क्या होता है। तो अब क्वेश्चन ये उठेगा कि इसके दो जो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक इनविजिबल सिस्टम होता है, कैसे ये जीन्स सारे एक्टिवेट्स होते, कब जीन्स ऑन कंडीशन में कैसी एक्टिविटी होगी, इनविजिबल सिस्टम में ऑफ कंडीशन में कैसी एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसके बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिस्क्रिप्शन करूँगा आपको। इससे पहले ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेगुलेटर जीन्स जो होता है कैसे एक्टिव होते हैं, रेगुलेटर जीन्स की वर्क क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान जाए कि द जीन्स दैट कंट्रोल द रेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन्स दैट्स आर नोन एज द रेगुलेटर जीन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रेगुलेटर जीन्स होता है, ये रेगुलेटर जीन जो होता है रिप्रेसेबल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के द्वारा, ये रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ये रिप्रेसर जो होता है इंड्यूसर के एब्सेंट में प्रमोटर फॉर ऑपरेटर से बाइंड अप हो जाएगा और इसकी एक्टिविटी ब्लॉक कर देगा। यानी रेगुलेटर जीन्स किसी अन्य जीन्स की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा हो गया ऑपरेटर, ऑपरेटर में क्या होता है, ऑपरेटर की एक्टिविटी क्या होती है, अ पार्ट ऑफ एन ऑपेरॉन दैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ वन और मोर स्ट्रक्चरल जीन बाय बाइंडिंग द रेगुलेटरी प्रोटीन। अब होता क्या है कि जो ये ऑपरेटर जीन्स जो होता है, ठीक है, ऑपरेटर जीन जो होता है, यहाँ पर ऑपरेटर जीन्स में जो होते हैं क्या कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल जीन्स की एक्टिविटी, एक या कई जीनों की स्ट्रक्चरल जीनों की एक्टिविटी को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तीसरा है इंड्यूसर, तो इंड्यूसर के बारे में इंड्यूसर का डिफिनीशन आप जान जाइए। इंड्यूसर क्या होता है, अ सब्सटेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट दैट इनएक्टिवेट्स अ रिप्रेसर बाय बाइंड कंबाइनिंग विथ इट देयर बाय स्टिमुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। होता क्या है कि इंड्यूसर का डिफिनेशन, इंड्यूसर में क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का ये होता है, और ये रिप्रेसर से जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, जैसे इंड्यूसर इसमें अगर प्रेजेंट, अगर इसको हम मीडियम में रख देंगे तो सपोज़ करो कि इलेक्ट्रोज मीडियम हो जाएगा, मीडियम में अगर बैक्टीरिया को हमने रख दिया है तो क्या होगा, ये लैक्टोज क्या होगा, वो इंड्यूसर होगा, ये इंड्यूसर जो होगा इससे बाइंड अप हो जाएगा, ये इंड्यूसर बाइंड अप होगा। सपोज़ करो कि यहाँ पर लैक्टोज है, बैक्टीरिया जो है एक्सटर्नल कंडीशन, ये है आपका लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज रखा गया, जैसे इलेक्ट्रोज मीडियम में रखेंगे ये एक इंड्यूसर हो गया, ठीक है, इनविजिबल सिस्टम का एग्जांपल है, वो बाइंड अप हो जाएगा और रिप्रेसर की एक्टिविटी को क्या करेगा, चेक कर देगा, जिससे ऑपरेटर क्या करेगा, बाकी जीन्स को आसानी से रीड कर सकता है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से दोनों एग्जांपल जो लैक्टोज लैकोफेरॉन है और ट्रैपोफेरॉन है किस तरीके से एक्टिव होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।